देवरिया जनपद के रुद्रपुर तहसील बार संघ का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें विश्व विजय कुमार मल निर्विरोध बार संघ के अध्यक्ष चुने गए। इस बार का जो चुनाव हुआ है वो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के दिशा निर्देशों के अनुरूप हुआ और उसमें जो भी पदाधिकारी चुने गए वे जो है सर्टिफाइड और उनको जो है बार काउंसिल ने प्रूव किया है कि ये लोग जो है हमारे बार काउंसिल से इनका रजिस्ट्रेशन, जिन लोगों ने जो पहले कमेटी थी उसमें रजिस्ट्रार लोग नहीं है उनके वो पास यूपी नंबर है नहीं है और हमारे पास कितने भी लोग हैं सबके पास यूपी नंबर है। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ जो चुनाव हुआ ये इसमें अध्यक्ष विश्व विजय कुमार मल चुने गए हैं निर्विरोध, उपाध्यक्ष पर किशोर सिंह चुने गए हैं निर्विरोध, महामंत्री पर सत्यानंद पांडे निर्विरोध चुने गए हैं, कोषाध्यक्ष पर धीरज कुमार सिंह निर्विरोध चुने गए हैं, कनिष्ठ मंत्री पर धीरेन्द्र कुमार सिंह निर्विरोध चुने गए हैं और कनिष्ठ उपाध्यक्ष पर गजेंद्र गुप्ता ये भी निर्विरोध चुने गए हैं। हमारा संघ जो है यह जो संघ है यह बार काउंसिल से जो है रजिस्टर्ड है और वह जो संघ है वो रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी संघ से और किसी भी बार काउंसिल से वो एकदम रजिस्टर्ड नहीं है। तो क्या नाम पड़ेगा? परशुराम मिश्र। किस पद पे हैं? हम तो एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष हैं। एक बार चुनाव हो चुका था फिर जो है दोबारा चुनाव हो रहा है, क्या कारण? कारण उसका ये है कि बार काउंसिल का एक पत्र आया जिसमें उन्होंने निर्देशित किया था कि जिन लोगों के पास यूपी नंबर है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, वही लोग एल्डर कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे और वही लोग जो है प्रत्याशी हो सकते हैं। तो जिन्होंने चुनाव कराया वो उनके पास यूपी नंबर नहीं था, वो एल्डर कमेटी के अध्यक्ष नहीं रहे। बाद में यहाँ की कमेटी ने नए सिरे से एल्डर कमेटी का गठन किया, वो बार काउंसिल से जो है अप्रूव है, उसके आधार पर जो लिस्ट मिली है एल्डर्स कमेटी को सीयूपी वाली प्रत्याशियों की, उसके आधार पर यह चुनाव संपन्न कराया गया और इसकी सूचना बार काउंसिल को भी भेजी जा रही है। यह चुनाव नियमानुसार बार काउंसिल के निर्देशों के अनुसार हुआ है। तो क्या उन पर कार्रवाई होगी आपकी तरफ से? वो बार काउंसिल को भेज दिया गया है, ये बार काउंसिल का सब्जेक्ट है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम नागेंद्र राव एडवोकेट है। कहाँ पे? जी रुद्रपुर देवरिया।